हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लेकर आए हैं। जो भी आज के पेपर में इंपॉर्टेंट अपडेट आई है वो सारी की सारी अपडेट हम लोग देखेंगे, चाहे यूपी टेट परीक्षा हो, यूपीपीएससी कैलेंडर हो, यूपी ट्रिपल एससी पेट को लेकर के खबर हो, एनटीपीसी सीबीटी टू परीक्षा तिथि हो, या और 1925 पदों पर जो भर्ती आई है उस पर अपडेट हो, सारी अपडेट देखेंगे। लेकिन जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने व्यूअर्स हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी लेखपाल का जो विज्ञापन जारी कर दिया गया है, और इसी क्रम में हम बात करने वाले हैं चक्षु पब्लिकेशन की यूपी लेखपाल की बेस्ट बुक के बारे में। आप इस बुक को देख सकते हो, इसमें 1100 से ज्यादा जो है प्रीपीए सिर के प्रश्न हैं, साथ ही साथ दो सॉल्व पेपर भी आपको मिल जाते हैं। ये जो बुक है पूरी तरीके से जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है डिजाइन किया गया है, तो बेस्ट बुक है। ये बुक जो है आपको चक्षु पब्लिकेशन की आपको जो है दुकानों पर भी मिल जाएगी, जो भी बुक स्टोर है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप उस लिंक पर भी क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप कॉल करके भी इस बुक को जो है मंगा सकते हो। तो बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया ग्राम समाज एवं विकास की जो ये पुस्तक है। साथ ही साथ मैं आपको अगर बता दूं तो इसके अलावा भी दो बुक और आती हैं। एक आपको राजस्व लेखपाल की जो है 25 प्रैक्टिस सेट पेपर मिल जाएंगे, दो सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, और साथ ही साथ इसकी एक जो है काफी यानी कि कंप्लीट गाइड जिसको आप बोल सकते हो, संपूर्ण पाठ्यपुस्तक की पुस्तक आपको मिल जाएगी। तो टोटल ये तीन बुक है, इन तीनों बुक को आप ले सकते हो और आप जो है अपनी एक सीट पक्की कर सकते हो। सबसे पहले अपडेट जो है वो है यूपी टेट परीक्षा को लेकर के। जैसा कि इस पर एक सभी छात्रों के मन में अब जो है संशय पैदा हो चुका है कि ये परीक्षा होगी या नहीं होगी, क्योंकि कोरोना केस बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश और पूरे भारत देश में बहुत तेजी से फैल रहा है। ऐसे में जो छात्र हैं वो रिस्क नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं यूपी टेट परीक्षा देने वाले जो ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, और इसमें जो है छात्र जो है दुविधा में भी फंस चुके हैं, क्योंकि एक तो परीक्षा 2 से 3 साल बाद ये होने जा रही है, उसके बावजूद इस समय पर यह परीक्षा जा रही है जिस समय पर इतनी तेजी से ओमिक्रोन जो है बढ़ रहा है। ऐसे में बहुत से छात्र हैं वो मांग किए हैं कि भैया जब कोई परीक्षा कोई इसके बाद भर्ती है नहीं यूपी टेट के बाद में, अभी कोई भर्ती है नहीं, तो जल्दबाजी क्यों करा रहे हो, फिर आराम से करवाइएगा यूपी टेट। उसी को लेकर के एक अपडेट है, आप देख सकते हो कि छात्रों की मांग, कोविड के मद्देनजर टाली जाए यूपी टीटी। प्रतियोगी छात्रों ने मांग की है कि तेजी से बढ़ रहे कोविड के मामलों को देखते हुए 23 जनवरी को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को टाल दिया जाए। अच्छा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए आप लोगों की राय क्या है, क्या आप लोग चाहते हो परीक्षा टले या परीक्षा जो हो रही है उसी समय पर हो। तो मैं आप सभी लोगों के, क्योंकि आप लोग काफी समझदार व्यूअर्स हमारे हैं, तो आप सभी लोग जो है एक बार कमेंट जरूर कर दें कि आप लोगों को क्या लगता है, परीक्षा टलनी चाहिए या नहीं टलनी चाहिए। ठीक है, इसी को लेकर के यहां पर प्रदेश भर में आयोजित होने वाली इस परीक्षा में 12 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। ट्रेनें और बसें छात्रों से भरी रहेंगी, ऐसे में संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। युवा मंच के संयोजक राजेश सचान का कहना है कि अगर सरकार छात्रों की इतनी हितैषी है तो सबसे पहले शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करें, ये एक बड़ी बात है। यहां पर इन्होंने बिल्कुल सही चीज लिखी है कि अगर आपको परीक्षा करवाना ही है तो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करो। अभी जब कोई शिक्षक भर्ती है नहीं तो टेट परीक्षा क्यों इस मौत के मुंह में छात्रों को भेज रहे हो आप भाई। अगर हम बात करें तो 21 लाख छात्र जो है पेपर देने वाले हैं प्राइमरी और जूनियर मिलाकर, और साथ में अगर 10 लाख उनके गार्जियन रख दें भाई, बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जिनके गार्जियन भी उनके साथ जाते हैं, तो तकरीबन 30 लाख छात्रों की सेंटरों पर भीड़ होगी। ऐसे में आप समझ सकते हो कितना जो है स्थिति भयावह हो जाएगी। ठीक है, इसमें और भी लिखा कि हाल में कोई भर्ती नहीं होने जा रही, ऐसे में संक्रमण के खतरे के बीच यूपी टेट के आयोजन का कोई औचित्य नहीं है। बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा है, मैं सहमत भी हूं राजेश सचान जी से, क्योंकि जब कोई परीक्षा है नहीं तो क्यों इतना वो मतलब ये किया जा रहा है भाई। अभी इतनी ज्यादा केस बढ़ रहे हैं डेली, 40,000, 50,000, 56,000, 60,000 केस यूपी में बढ़ना शुरू हो चुके हैं, तो ऐसे में मुझे नहीं लग रहा कोई औचित्य तो वाकई में नहीं बनता कि पेपर करवाया जाए। जब शिक्षक भर्ती कोई है नहीं तो 1 महीना लेट कर दो, क्या दिक्कत है, कोई उसमें फर्क तो नहीं पड़ने वाला, ये मेरा ओपिनियन है। बाकी आप लोगों की क्या राय है आप कमेंट जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट को लेकर के। तो अगली अपडेट जो है वो यूपीपीएससी जो है कैलेंडर को लेकर के है। आधी जनवरी बीत गई लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वर्ष 2022 का परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं कर पाया है। ठीक है, यहां ऊपर आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि परीक्षा कैलेंडर तैयार, 25 तक जारी होने की उम्मीद, यानी कि जो कैलेंडर है उसको तैयार कर दिया गया है, बस 25 तक उसको जारी किया जाएगा, क्योंकि कोविड की वजह से ये भी रुके हुए हैं, देख रहे हैं कि अगर कुछ कोविड इधर उधर बढ़े तो कैलेंडर में पहले ही संशोधन कर दिया जाए, बाद में क्यों हल्ला करवाने की कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, यहां पर लिखा है कि इस आधी जनवरी बीत गई लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वर्ष 2022 का परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं कर पाया है। इसके पीछे कोरोना का बढ़ता प्रकोप व विधानसभा चुनाव प्रमुख कारण माना जा रहा है। वैसे आयोग ने परीक्षा कैलेंडर तैयार कर लिया है,
25 जनवरी तक उसके जारी होने की उम्मीद है। चुनाव को देखते हुए फरवरी व मार्च में चुनिंदा परीक्षाएं कराई जाएंगी। कोरोना नियंत्रित रहा तो अप्रैल से परीक्षाओं का दौर जो है तेज हो जाएगा। लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2021 की परीक्षा कैलेंडर 15 जनवरी को जारी कर दिया था। कैलेंडर में 16 परीक्षाओं का ब्यौरा था। वहीं मार्च अप्रैल में कोरोना संक्रमण की स्थिति भयावह हो गई थी, जिसके चलते कई परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी। कोरोना के नियंत्रित होने पर आयोग ने 10 जून को संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी किया था। इसके तहत 28 से 31 जनवरी तक पीसीए 2021 मेंस, यानी कई सारी चीजें हैं, तो आप इस चीज को देख सकते हो। लेकिन जो कैलेंडर के बारे में आप बार बार कमेंट में पूछ रहे हो, उसके लिए यहां पर एक इंफॉर्मेशन यही है कि 25 जनवरी तक आपका जो है कैलेंडर जारी किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ तैयार हो चुका है, बस जो है 25 को इसको अपलोड करने की देरी है। वहीं पर एक अपडेट और आई है कि स्क्रीनिंग परीक्षा 2019 की उत्तर कुंजी जारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रधानाचार्य श्रेणी 2 उप प्रधानाचार्य सहायक निदेशक स्क्रीनिंग परीक्षा 2019 की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। वस्तुनिष्ठ प्रकारक यांत्रिकी, अभियांत्रिकी, उत्पादन अभियांत्रिकी, ऑटोमोबाइल अभियांत्रिकी, विद्युत अभियांत्रिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक व दूरसंचार अभियांत्रिकी विषय के चारों की प्रश्न पुस्तिकाओं की उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर 21 जनवरी तक रहेगी। अभ्यर्थी त्रुटियों की आपत्ति 22 जनवरी तक साक्ष्य के साथ आयोग को दे सकते हैं। लोक सेवा आयोग ने प्रधानाचार्य श्रेणी 2 उप प्रधानाचार्य सहायक निदेशक स्क्रीनिंग परीक्षा 2019 के तहत 271 पदों की भर्ती निकाली है। उक्त पदों की परीक्षा, तो आप लोग देख सकते हो कि आप सभी लोगों का यहां पर स्क्रीनिंग परीक्षा की जो उत्तर कुंजी है वो जारी हो चुकी है। आप लोग इसको देख सकते हो, 21 जनवरी तक ये वेबसाइट पर रहेगी। अगर आपको कोई आपत्ति लग रही है तो साक्ष्य के साथ आप लोग 22 जनवरी तक इस पर आपत्ति कर सकते हैं। वहीं पर बढ़ते हैं अगली अपडेट। तो अगली अपडेट जो है वो है एएनएम भर्ती। अब ये जो अपडेट है, ये सभी के सभी यूपी ट्रिपल एससी वाले जो छात्र हैं, पेट के जो छात्र, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट अपडेट बन जाती है। क्यों? क्योंकि एएनएम की भर्ती 9600 पदों पर आई थी और उसमें जो है यूपी ट्रिपल एससी पेट के छात्रों के लिए अनिवार्यता रखी गई थी कि आप वही फॉर्म डाल सकते हैं जो लोग पेट का फॉर्म जो है भरे थे और पेट को क्लियर किए हैं, ठीक है। ऐसे में लेकर कर इसको कोर्ट में गया, क्या है पूरा मामला इसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। आप पहले यहां देखें, लिखा है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएनएम भर्ती मामले में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पास करने की अनिवार्यता को लेकर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। मामले में अब 4 फरवरी को सुनवाई होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने एकता यादव व अन्य सहित आधा दर्जन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया है। सुनवाई के दौरान प्रतिवादी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिवक्ता की ओर से बताया गया कि इसी तरह के मामले में लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई कर 11 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की। याची के अधिवक्ता पुनीत उपाध्याय ने तर्क दिया कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जवाब दाखिल करने का मौका दिया गया था। उधर आयोग के अधिवक्ता ने जानकारी दी कि उन्होंने अपना जवाब रजिस्ट्री के जरिए 10 जनवरी को दाखिल कर दिया था, लेकिन सुनवाई के दिन वह कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका। कोर्ट ने अगली तिथि तक जवाब को ट्रेस कर प्रस्तुत करने को कहा। सबसे पहले तो मामला देख लेते हैं कि आखिर मामला क्या था ये, ठीक है। इसमें लिखा कि याचिका में कहा गया है कि एएनएम की 9600 पदों पर भर्ती के लिए जो विज्ञापन निकाला गया था, उसमें प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पास करने की अनिवार्यता निर्धारित की गई थी। जो अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पास करेंगे, उन्हें ही मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए 5 जनवरी तक आवेदन करने की तिथि निर्धारित की गई। याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया था कि 2 वर्षों से लगातार कोरोना संक्रमण बने रहने से बहुत से अभ्यर्थियों को अस्पतालों से छुट्टी नहीं दी गई, इस वजह से उन्हें अध्ययन का मौका नहीं मिल सका। लिहाजा मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पास करने की अनिवार्यता सही नहीं है। यह चीज जो है सभी के लिए जो काफी इंपॉर्टेंट बन सकता है, जो लेखपाल वाले छात्र हैं उनके लिए भी और जो हमारे एएनएम वाले छात्र उनके लिए भी। यहां पर जो याचिका में कहा गया है कि इन्होंने ये बताया कि एएनएम की भर्ती हो, इसमें अनिवार्यता पेट के लिए, जो भी लेखपाल वाले छात्र हैं वो भी ध्यान से सुनेंगे इसको, उसमें ये बताया गया कि जो है पेट की अनिवार्यता रखी गई है, लेकिन ये बताया कि 2 साल से कोरोना है, तो ऐसे में बहुत से छात्र ऐसे थे जो कोविड पॉजिटिव हो गए थे या कोविड के दौरान वो अस्पताल में थे, तो 2 साल अगर वो अस्पताल में थे या वो ज्यादा दिन तक अस्पताल में थे तो वो पढ़ाई नहीं कर सके और उन लोगों का जो है परीक्षा नहीं दे पाए या किसी कारण से वो फॉर्म नहीं भर पाए या वो परीक्षा दिए तो पास नहीं कर पाए या उतनी अच्छी उनके स्कोर नहीं आए हैं, तो उस अनिवार्यता को खत्म करने की जो है बात की गई है उसको याचिका में डाला गया है। कोर्ट ने इसको लेकर के फैसला भी सुरक्षित रख दिया है और 14 तारीख को इसके बारे में जो है सुनवाई किया जाएगा, सॉरी 4 फरवरी को, ठीक है, 4 फरवरी को इसके बारे में सुनवाई किया जाएगा और एक बड़ा फैसला जो है आ भी सकता है कि हो सकता है पेट की अनिवार्यता को समाप्त भी किया जा सकता है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो सभी छात्रों को जो यूपी ट्रिपल एससी वाले छात्र हैं सभी के लिए एक बड़ी खबर हो जाएगी, ठीक है। हालांकि देखता है कि क्या होता है, अभी कुछ ये नहीं पता कि रिजर्व क्या किया गया है, क्या अनिवार्यता खत्म करते हैं नहीं करते हैं, वो तो बाद की बात है, बट मामला क्या था वो आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए वहीं पर बढ़ते हैं अगली अपडेट। अगली अपडेट है एपीएस भर्ती को लेकर के। आए दिन एपीएस भर्ती को लेकर के आंदोलन और प्रदर्शन होते रहते हैं। ऐसे में बहुत से छात्र ऐसे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पिछले 10 वर्षों में अपर निजी सचिव की एक भर्ती भी पूरी नहीं कर सका। एक दशक से भर्ती का इंतजार कर रहे कई अभ्यर्थी ओवर एज हो गए हैं। आयोग के पास 3 वर्षों से तकरीबन 250 पदों का अध्याचन पड़ा हुआ है, इसके बावजूद नई भर्ती शुरू नहीं की जा सकी है। प्रतियोगी छात्रों ने आयोग में ज्ञापन देकर भर्ती शीघ्र शुरू करने की मांग की है। एपीएस भर्ती एक दशक से विवादों में घिरी हुई है। एपीएस 2010 में धांधली का खुलासा होने पर सीबीआई की ओर से एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इस परीक्षा में अभ्यर्थियों को मनमाने अंक देकर चयनित किए जाने का मामला सामने था। ठीक यही गड़बड़ी एपीएस भर्ती 2013 में की गई। एपीएस 2010 के मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद आयोग ने एपीएस भर्ती परीक्षा 2013 को निरस्त कर दिया। 10 साल से भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी ओवर एज हो गए हैं या होने वाले हैं। अगर आयोग ने जल्दी विज्ञापन जारी नहीं किया तो बड़ी संख्या में परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी नई भर्ती में शामिल होने से वंचित रह जाएंगे। आप ये देख सकते हो कि भर्ती खाली भी है। जिस भी विभाग में तकरीबन 11-12 साल से कोई भर्ती ना आई हो, वहां पर आप सभी लोग जान सकते हो कि कितने ज्यादा पद खाली होंगे उसमें। बट जो है इसके पद और विज्ञापन निकाले नहीं जा रहे हैं और छात्र जो है वो ओवर एज हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अगली अपडेट को देखते हैं। आरआरबी एनटीपीसी, आप सभी को पता है कि लगभग जितने भी जोन थे सभी जोनों के जो है रिजल्ट आ चुके हैं। सभी लोगों ने रिजल्ट देख भी लिया। जो लोग पास हो गए हैं उन लोगों को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। सभी लोग जरूर बताएं कमेंट में आप पास हुए हैं या फेल हुए हैं, किस जोन से थे, ये सब जरूर आप टाइप करिए। हालांकि अभी आरआरबी एनटीपीसी में बहुत बड़ा जो है एक तरीके का क्या बताएं, लापरवाही कह दें या क्या उनका कह दें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। छात्र गुस्सा भी हैं क्योंकि 20 गुना छात्रों को बुलाया गया, बट बुलाने को कहा गया बट 20 गुना छात्र नहीं बुलाए गए। हर एक पोस्ट के लिए एक ही छात्र को सेलेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, ऐसे में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है हो चुकी है। लेकिन यहां पर जो सबसे अच्छी बात है वो है कि सीबीटी 2 की परीक्षा तिथि जो है वो बताई गई है कि 14 से 18 फरवरी के बीच में सीबीटी 2 की परीक्षा करा दी जाएगी। तो जो छात्र बिल्कुल पास हो चुके हैं उन लोगों के पास बिल्कुल भी समय नहीं है। कुल जो है 27 से 28 दिन बचा हुआ है तैयारी करने को। आप सभी लोग अपनी तैयारी खूब अच्छे से करिए ताकि अगर आपने सीबीटी 1 क्रैक किया है, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पेपर दिया था, उसमें से तकरीबन यहां तो बताया गया 7 लाख, लेकिन 7 लाख लोग नहीं पास हुए हैं, पास हुए हैं कम लोग, यानी कि मान के चलो 4 से 4.5 लाख लोग पास हुए हैं। तो आपको भी पता है कि अगर भैया 1 करोड़ से ज्यादा लोगों में 4 लाख लोग केवल सेलेक्ट हुए, इतनी मेहनत करके आए हो, तो अब आगे के लिए भी आपको मेहनत करना होगा। सभी को शुभकामनाएं हैं टॉपर्स इन की तरफ से, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। यहां पर बता दिया गया कि 20 गुना छात्रों को बुलाया गया है और 14 से 18 फरवरी 2022 तक जो है आपका परीक्षा करवाया जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो सारी चीजों को। ठीक है, चलिए तो इतनी चीजें यहां से देख लीजिए। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे जो अपडेट आई है वो आई है ग्रुप ए व सी के पदों पर भर्ती। नवोदय विद्यालय समेत एनबीएस में 1925 पदों पर जो है विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 18 से 45 साल एज रखी गई है। आवेदन शुल्क इसका अलग अलग है। आप लोग जो है एनबीएस की ऑफिशियल साइट पर जाकर इसके बारे में आप सब कुछ देख सकते हो। ऑफिशियल साइट भी नीचे दी गई है। 10 फरवरी तक आवेदन करना है। जो लोग भी योग्यता रखते होंगे, यहाँ पर सीबीटी होगा, साक्षात्कार होगा, टाइपिंग होगा, टेस्ट होगा, यानी बहुत सारी चीजें यहाँ पर होंगी। पात्रताएं उम्मीदवारों ने 10वीं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो, डिप्लोमा पीजी हो, 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा हो, टाइपराइटिंग नॉलेज हो, अन्य जो है यहाँ पर पात्रताएं रखी गई हैं। आवेदन शुल्क के बारे में, अलग अलग पद के लिए अलग अलग जो है आवेदन शुल्क है, तो आप लोग इनकी ऑफिशियल साइट पर जाकर इसके बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हो आप लोग। तो इतनी सारी अपडेट थी आज के मॉर्निंग अपडेट में। अगर आपको अपडेट पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय।